कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है या दुख होता है, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कॉमेडी बन जाती है। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, अभी जब मैं याद करती हूँ उन बातों को, उन बचपन की घटनाओं को, तो अभी उनको सोच के हंसी आती है कि वो बहुत बड़ी कॉमेडी बन गई थी मेरी लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटी थी तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, तो छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं होता ना कि हमारे पास क्या कमी है या क्या नहीं है। आसपास जो हम देखते हैं तो हम मानते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल, मेरे आसपास बच्चों के पास जब बहुत छोटी थी तो ट्राईसाइकिल थी, तो मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी वो देखो उनके पास ट्राईसाइकिल है, वो उनके पास ट्राईसाइकिल है। बच्चे आपस में खुश है तो थोड़ी देर चलाने देंगे, नहीं खुश है तो ए मेरी दे, होता है ना बच्चों में, एकदम छोटे बच्चे, नर्सरी भी मतलब गए भी नहीं नर्सरी, उस टाइप के बच्चे, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी वो उनके पास ट्राईसाइकिल है, तो मम्मी क्या बोलती थी, हाँ बेटा वो ले सकते हैं, उनके पास हैं, हमारे पास नहीं है, हम नहीं ले सकते। क्या पापा, मम्मी के पास हर बात का एक ही जवाब था, नहीं बेटा वो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हाँ उनके पास है, हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है पापा? फिर थोड़ी बड़ी हुई फिर बाईसाइकिल आ गई उन लोगों के पास। अब मुझे लगता था यार ट्राईसाइकिल नहीं मिली, कम से कम साइकिल ही चलाना सीख लूँ। तो मैं कहती मम्मी उनके पास बाईसाइकिल, तो मम्मी का एक ही जवाब, बेटा वो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, उनके पास हैं, हमारे पास नहीं है। क्या पापा? एक रटा रटाया जवाब। फिर और बड़ी हुई, लोगों के घरों में टीवी आने शुरू हो गए। अब मेरे पास टीवी नहीं, तो जिनके घरों में उन दिनों टीवी होता था उनकी शान रहती थी, वो कुर्सी पे बैठते थे, हमें जमीन में बैठाते थे, मन होता था हमें आने देते थे, मन होता था बंद कर देते थे, बोलते थे अभी नहीं अभी नहीं अभी हम नहीं चला रहे, अभी पढ़ाई का टाइम है, ये है। और जैसे हम लोग चले आते थे फिर वो टीवी चला लेते थे, ये सब होता था, सब हमने झेला है, मैंने तो झेला है। तो मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी देखो वो लोग ना बहुत भाव मारते हैं, उनके पास टीवी है, हमारे पास मम्मी टीवी। तो मम्मी कहती नहीं बेटा वो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, उनके पास है, हमारे पास नहीं है। क्या पापा? एक बहाना, सॉलिड बहाना। अच्छा फिर और बड़ी हुई, फिर लोगों के घरों में फ्रिज आ गया, हम वही मटके का पानी पी रहे हैं। तो मुझे लगता था यार इनके पास फ्रिज भी है, हमारे पास तो है नहीं। मम्मी फ्रिज फ्रिज, एक ही जवाब, बेटा वो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, उनके पास है, हमारे पास नहीं है। पापा? मुझे बचपन से इतनी चिढ़ हो गई थी इस बात से कि मुझे लगता था सारे फसाद की जड़ ये पापा, ना ये छोड़ के जाते, ना हमें इस तरह से अधर में लटकना पड़ता। और मैं तो 4 महीने बाद पैदा हुई, उनके जाने के 4 महीने बाद पैदा हुई, और जब से पैदा हुई तब से बस एक एक्सक्यूज़ है कि यही चीज़ें जो आ रहा है वो कुछ भी दुत्कार के जा रहा है। तो मैंने कहा ये सारे फसाद की जड़ पापा, ये जाते नहीं, ये छोड़ते नहीं, तो हम अधर में लटकते नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मम्मी ने उस समय जब जो मांगा वो कभी नहीं दिलाया। धन्यवाद हो इस बात के लिए। क्यों? आज मैं धन्यवाद करती हूँ, उस वक्त नहीं कर सकती थी, आज करती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ऐसी जलन पैदा हुई, मैंने कहा अब तो मुझे एक पिता ढूंढना है। और मैंने कहा ऐसे वाले पापा नहीं चाहिए कि जो गंगा के पुल पर जनवरी की सर्दियों में आधी रात को चले जा रहे हैं, सामने से ट्रक आया, खचा पापा निकल लिए पतली गली से बाइक पकड़ के। मैंने कहा ऐसे वाले पापा नहीं चाहिए, अब तो मुझे ऐसे वाले पापा चाहिए जिसको मौत भी मुझसे न छीन सके, मुझे वो पिता चाहिए। और खोजती थी, बहुत छोटी थी, पर मेरे अंदर ये बात घर कर गई थी कि अब वो पिता चाहिए जिसे मौत भी मुझसे न छीन सके। और उसी बीच में मैंने अपने स्कूल के सब्जेक्ट में बालक ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, तो उसकी माँ उसको बता रही थी, मैं बता चुकी इस बारे में कि बेटा जो ये तो छोटी सी रियासत के राजा हैं तुम्हारे पापा, तुम उस पिता की गोद में बैठना है जो पूरी सृष्टि का राजा है, पूरी सृष्टि का मालिक है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा मुझे वहाँ से एक आइडिया मिला। मैंने कहा अच्छा ऐसा कोई पिता है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। करेक्ट है, सही है बॉस, ऐसा पिता चाहिए, और ऐसा फौलादी पिता चाहिए जिसे मौत भी मुझसे न छीन सके। और मैं ढूंढ रही थी उस पिता को, उस परमेश्वर को जिसे मौत भी मुझसे न छीन सके। मालूम है मत्ती 23:9 में लिखा है कि तू इस धरती पर किसी को अपना पिता ना कहना, तेरा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पिता हैं वो उन्हें पिता ना कहें, पर मेरे लिए ये वचन पूरा अक्षरशः सत्य हुआ, क्योंकि जब तक मुझे यीशु नहीं मिला मैंने अपनी जबान से किसी को पिता कहा ही नहीं। तो ये वचन जब मैं पढ़ती थी तो मुझे इतनी तसल्ली मिलती थी कि धन्यवाद। और फाइनली मैंने उस प्रभुओं के प्रभु को, उस अनंत काल के पिता को पाया जो मौत का सीना चीर के कब्र को फोड़ के बाहर निकल आया, वो पिता जिसे मौत भी मुझसे नहीं छीन सकती है। आमेन। वो पिता जिसे मौत भी मुझसे नहीं छीन सकती है। आमेन। एक
वो प्रार्थना जो मैं बचपन से करती रही कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, वो इस धरती पर नहीं पूरी हो सकती। पर मुझे मालूम है जब मैं उसके दिए हुए असाइनमेंट पूरा करके इस शरीर का डेरा छोड़ के आत्मा में वहाँ जाऊँगी, आप सब वहाँ मुझे मिलोगे, मेरा विश्वास है। आप देखना मैं पिता की गोद में बैठूंगी, क्योंकि ये एक प्रार्थना इस धरती पर अधूरी रहेगी, वो वहाँ जाके पूरी होगी। आमीन। वो अधूरी प्रार्थना मेरी वहाँ पूरी होगी, इस धरती पे तो अधूरी रहेगी रैप्चर आने तक, पर वहाँ पूरी होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा एक ऐसा फौलादी पिता, ऐसा परमेश्वर है कि मेरे लिए, आपके लिए जीना मसीह मरना लाभ है। जब तक जिएंगे उसके असाइनमेंट को पूरा करते रहेंगे, जिस दिन इस पृथ्वी का डेरा छोड़ के जाएंगे उसकी गोद में जाएंगे। आमीन। आमीन। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद हो। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं मम्मी का धन्यवाद करती हूँ उन बातों के लिए जो उन्होंने बचपन में मुझे नहीं दी। मैं जब 12th में पहुंच गई तब मेरे घर में फ्रिज आया था, बचपन से बोलते बोलते। क्यों? अगर सब मिल जाता, हो सकता है मेरे अंदर ये जलन न पैदा होती कि ये सारे फसाद की जड़ पापा ढूंढना है एक ऐसा फौलादी पिता जिसे मौत भी ना छीन पाए, तब हो सकता है ये वाली बात ही ना आती मेरे अंदर। तो आज उस बात के लिए धन्यवाद हो जो मम्मी ने मेरे साथ किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि ये उसकी ओर से था। आमीन।